क्रूड ऑयल एक ऐसी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है जो ग्लोबल जियो को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है और इसी क्रूड ऑयल के सप्लाई और डिमांड को मैनेज करने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज या जिसे फेमसली ओपेक भी कहा जाता है रिसेंटली ओपेक प्लस ने यह डिसीजन लिया है कि वो जो है वो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन को दो मिलियन बैरल्स पर डे से कट करने वाले हैं विच मीन्स

यही डिस्कशन हम आज के सेशन में करेंगे नमस्कार दोस्तों सुपर कोचिंग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इससे इस और ओपेक प्लस के बारे में कुछ जान के लेते हैं तो ओपेक या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के द्वारा कर दी गई थी इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल क्रूड ऑयल के सप्लाई और डिमांड को मैनेज करती है ये इंश्योर करती है कि देर इज नॉट अ सडन शूट ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स कि जो उनके मेंबर कंट्रीज हैं उनका प्रॉफिट बना रहे तो अब ओपेक के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं

पार्ट ऑफ दर्ल्ड में आते हैं राइट सो दीज आर फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर ओपेक अब ये तो रहा ओपेक तो ओपेक प्लस क्या है और ओपेक प्लस एग्जिस्टेंस में कैसे आया तो 2016-2017 में ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस बहुत ज्यादा गिर गए अब ये क्यों गिर गए क्योंकि इन ओपेक जो तेरह ओपेक देश है इन देशों के अलावा भी कुछ ऐसे देश हैं जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं जो क्रूड ऑयल को सप्लाई करते हैं राइट ना तो ओपेक के साथ और दस राष्ट्र जुड़ गए जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को ओपेक प्लस कहा गया तो ओपेक प्लस में ऑलरेडी आपके जो तेरह ओपेक राष्ट्र थे वो तो थे उसके अलावा और दस राष्ट्र जुड़ गए विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ ट्वेंटी थ्री नेशन जो ओपेक प्लस का प्लस के ओपेक प्लस में इस इन तेरह ओपेक के अलावा और कौन कौन से राष्ट्र हैं? तो उसमें आपके अजेरबाइजान बहरेन ब्रुनाई कजाकिस्तान मलेशिया मेक्सिको ओमान रशिया साउथ सुडान सु, और सुदान मौजूद है अब इन सारे कंट्रीज में से रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है विच इज अ पार्ट ऑफ योर ओपेक प्लस

दो मिलियन बैरल से दो मिलियन बैरल से ऑयल का प्रोडक्शन कट डाउन करने वाले हैं और यह जो डिसीजन है यह नवंबर 2022 से लागू हो जाएगा अब यह देखा कि क्यों लिया क्यों क्यों डिसीजन लिया जा रहा है क्योंकि वो क्रूड ऑयल प्राइजेस को बढ़ाना चाहते हैं अब ओपेक प्लस को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जिसके वजह से वो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस को बढ़ाना चाहते हैं तो ये पॉइंट को समझने के लिए हम इस पर्टिकुलर ग्राफ को स्टडी करेंगे जिसे ब्लूमबर्ग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रिलीज किया है right? January, 2022, तो दिस इज सेट टू बी दंथ जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अब इस पर्टिकुलर मंथ में ये क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई थी दैट वाज रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन राइट उस वक्त ग्लोबल ऑयल प्राइजेस शॉर्ट अप एंड इट वेंट अपू एंड द्लोबल ऑयल प्राइजेस वेंट अप टू वन फोर्टी डॉलर पर बैरल इतना हाई ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस चले गए थे अब जब हम ओपेक का इंट्रोडक्शन देख रहे थे उसमें मैंने ये एक चीज बताई थी कि ओपेक का ये काम भी है कि ये देखना कि ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में राइट right? और उसके बाद धीरे-धीरे इफ यू सी कि टिल जून 2022 क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई ही थे इट वाज अराउंड 125 डॉलर्स पर बैरल टिल जून 2022 पर जून 2022 के बाद आपको एक गिरावट नजर आएगी ठीक है यू विल सी अ स्टीप डिक्लाइन इन द प्राइज ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल अब ये स्टीप डिक्लाइन क्यों हुआ ये ये स्टीप डिक्लाइन को समझने से समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो पिछले दो तीन महीने में हुए हैं उन इवेंट्स को हम देखेंगे बट बिफोर वी गोइंग टू दो इवेंट्स लेट लेटस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ब्रेंट स्पॉट प्राइस क्या होती है जिसके ऊपर ओपेक मेंबर कंट्रीज अपना क्रूड ऑयल प्राइस को डिटरमाइन करता है राइट right? तो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस जान के लेते हैं क्योंकि ये डिफरेंस जो है ये प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा गया है क्रूड प्राइस uh, और WTI के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है तो ब्रेंड क्रूड क्या है ब्रेंड क्रूड उस तेल का नाम है जो नॉर्थ सी से निकाला जाता है जो नॉर्थ सी के ऑयल फील्ड है वहां से जो तेल को निकाला जाता है उसे ब्रेंड क्रूड कहते हैं और इस तेल की जो प्राइस होती है उसे ब्रेंड क्रूड प्राइस कहते हैं ऑन सिमिलर लाइंस वेस्ट टेक्सिस इंटरमीडिएट क्या है तो वेस्ट टेक्सिस एक ऐसे ऑयल फील्ड है यूएसए में जहां से तेल निकाला जाता है और ये जो ऑयल फील्ड है ये प्राइमरीली टेक्सिस लूजियाना और नॉर्थ डकोटा में प्लेस्ड है ओके सो बेसिकली ये तो हो गया ओरिजिन के बारे में कि ब्रेंड क्रूड का ओरिजिन क्या है और वेस्ट टेक्सिस का ओरिजिन क्या है अब बेंचमार्क प्राइजेस के बारे में बात करेंगे तो जो जो ब्रेंड क्रूड ब्रेंड क्रूड ऑयल का जो प्राइस होता है दैट इज एज एन इंटरनेशनल बेंचमार्क प्राइस और यही प्राइस ओपेक कंट्रीज या ओपेक प्लस कंट्रीज भी ब्रेंड क्रूड प्राइस को ही मद्देनजर रखती है जब भी उनको अपने प्राइजेस को ऊपर नीचे करना होता है वेर एज वेस्ट एक्सिस इंटरमीडिएट ये जो प्राइस है क्रूड ऑयल का इट इज स्पेसिफिकली फॉर दैट ऑयल विथ यूएस प्रोड्यूसेस ओके विच इज सप्लाइड फ्रॉम यूएस अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेंड क्रूड प्राइस जो है इसका कॉस्ट ऑफ शिपिंग टिपिकली लोअर होता है क्यों क्योंकि ये जो ऑयल फील्ड है ये दीज आर क्लोज टू कोस्ट ऑन ऑलमोस्ट इन दी इन दी कोस्टल एरियाज ओनली सो देरफोर इनको uh, ज़्यादा दूर ट्रांसपोर्ट नहीं करना होता पर वेस्ट टेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये ऑयल फील्ड जो है ये इंटीरियर पार्ट ऑफ यू में प्लेस है तो इंटीरियर पार्ट से इन इस ऑयल को कोस्टल uh, रीजन्स में सप्लाई uh, करना होता है फॉर एक्सपोर्ट तो इसके लिए इनका ट्रा, ट्रांसपोर्ट प्राइस जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है बट दी मॉडल ऑफ द स्टोरी इज कि ब्रेंड क्रूड प्राइस ये उस तेल का प्राइस है जो नॉर्थ सी से निकाला जाता है और वेस्ट उस तेल का प्राइस है है जो यूएस के ऑयल में से निकाला जाता राइट नाउ अगेन लेट अस कम बैक टू दिस पर्टिकुलर चार्ट जो ब्रेंड क्रूड प्राइस के बारे में बात करता है और हमने ये देखा अब तक कि जून दो तक तो ब्रेंड क्रूड प्राइस का भाव जो है वो बहुत बढ़ रहा था पर जून दो के बाद जो ब्रेंड क्रूड प्राइस है वो उसमें अचानक एक गिरावट देखने को मिली अब यह गिरावट क्यों देखने को मिली इसके कुछ मुख्य कारण हैं। एक सबसे पहला मुख्य कारण है कि इट इज एस्टिमेटेड या ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी एक में जाने वाली है और रियुटर्स का एक रिपोर्ट आया था ऑन ऑफ सिक्स जो ये कह रहा था कि यूरोपियन शेयर स्लाइड एज रिसेशन फियर ग्रिप इन ग्लोबल मार्केट तो सबको यही लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पूरी दुनिया एक ग्लोबल रिसेशन में चले जाने वाली है अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना जो एक बहुत बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है चाइना ने और, तीस अगस्त के आसपास ये न्यूज आई थी कि चाइना ने एक लॉकडाउन लगाया है वेर इन मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्लेस इन साइड द लॉकडाउन अब इसके वजह से चाइनीज इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा अब अगर चाइना जो एक ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है एंड

बी इट चाइना और बी इट द यूरोपियन नेशन और बी इट द अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑल दीज नेशंस आर फेसिंग एन इकोनॉमिक स्लो डाउन समल्सो ऑन द ब्रिंक ऑफ गोइंग इन टू अब इस ये जो स्पेकुलेशन था ये आया था आपके अगस्त सितंबर के महीनों से राइट सो जुलाई ऑगस्ट सेबर के मंथस में ये स्पेकुलेशन आने लगा ग्लोबल शेयर्स के जो प्राइजेस थे वो गिरने लगे इसके वजह से क्या हुआ बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स जो आप जून के बाद देखोगे तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस में गिरावट देखने को मिली दे वॉज इतना डिक्रीज हुआ कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस ऑलमोस्ट के बिलो नाइनटी डॉलर बैरल जो रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त यहाँ पर जो 140 फोर्टी डॉलर वन फोर्टी डॉलर पर बैरल तक गया था वो सितंबर आते आते वो 90 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे आ गया दिस वॉज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर दी ओपे प्लस कंट्रीज क्योंकि उनका जो है उनके प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहा था इसके लिए उन्होंने कल ये डिसीजन लिया कि हम जो है आ, आ, जो है वो आ, सप्लाई को ही कम कर देंगे और जब सप्लाई कम करेंगे और डिमांड कॉन्स्टेंट रहेंगी तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेंगे और उनके इसी निर्णय जैसे उन्होंने ये डिक्लेयर किया उसी दिन आप एक थोड़ा सा इंक्रीज देखने को आपको मिला होगा इन क्रूड इन द ब्रांड क्रूड ऑयल प्राइस जहां पर 91 डॉलर्स डॉलर प्रति बैरल तक वो वापस इंक्रीज हो गया राइट right? नाउ स पर्टिकुलर डिसीजन इज नॉट बीन सीन इन गुड बुक्स बाय द यूएस प्रेसिडेंट क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यह कहा था कि यह जो डिसीजन है यह ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा है क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी एक रिसेशन में जा रही है और ऊपर से अभी अगर क्रूड ऑयल प्राइजेस भी बढ़ने लगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द एंटायर इकोनॉमी टू सस्टेन क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया है तब से ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन में जा रही है और अब रिसेशन के कगार पर है राइट right? अब इस सारे न्यूज का रशिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा ऐसा कहा जा रहा है एंड इट इज ओनली स्पेक्यूलेटेड दैट जो यूरोपियन यूनियन ने कुछ महीने पहले उन्होंने uh, रशिया के के ऑयल ऊपर लगाए थे ओके okay? उन्होंने बैन लगाया था कि रशिया से कोई भी क्रूड ऑयल या गैस uh, हम नहीं लेंगे वी आर गोइंग टू बैन रशिया रशियन ऑयल एंड रशियन गैस अब ये यूरोपियन यूनियन ने बैन क्यों किया ऑब्वियसली देवर कंडेमनिंग

ओके सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड वी हैव डन अ कंप्लीट एनालिसिस की व्हाई द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस वर डिक्लाइनिंग एंड व्हाई वाज दिस पर्टिकुलर डिसीजन टेकन बाय द ओपेक प्लस नेशंस थैंक यू सो मच दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे सेशन जाते जाते आपको सुपर कोचिंग के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं सो सुपर कोचिंग इज दिस वन स्टॉप इनिशिएटिव ब्रॉट टू इनशियेटिव टेस्ट बुक जहां पे आपको सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है और इस सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप अनलॉक कर, कर पाओगे ऑलमोस्ट 30 प्लस वीडियो कोर्सेस 550 प्लस मॉक टेस्ट 500 प्लस स्टडी नोट्स एंड 1000 प्लस डेली लाइव क्लासेस इसके अलावा आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है सच एज श्री राम श्रीरंगम सर फ्रॉम श्री राम आयस देन यू हैव सलामुद्दीन अंसारी सर फ्रॉम लुकमान आयस यू हैव रवि प्रसाद रवि प्रकाश आज़ाद सर फ्रॉम आज़ाद आयस एकेडमी, और इसके साथ साथ आपको टेक्सट uh, बुक के बेस्ट फैकल्टीज के साथ भी पढ़ने का एक मौका मिलता है एंड ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड